आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या हम अपने पीसी में या फिर मोबाइल के अंदर डायरेक्टली वाईफाई को हैक कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या हम कुछ टेक्निक का यूज करके किसी भी वाईफाई को हैक कर सकते हैं वो भी कुछ टाइम में, इस पे हमें ज्यादा टाइम ना लगे। तो दोस्तों इसका आंसर है पॉसिबल है, किस तरह से पॉसिबल है आपने आज इस वीडियो में जानना है और पूरा एंड तक वॉच करना है। इस वीडियो में मैं आपको अपने काले लिनक्स से और काले लिनक्स हंटर से मतलब आपके मोबाइल के अंदर भी इसको यूज करके दिखाऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है। सो फ्रेंड बिना वक्त जाया किए हम इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं एवर डेवल और आप देख रहे हैं ऑफिशियल एवर डेवल यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको फ्री में एथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। एथिकल हैकर के ट्रिक्स एंड टिप्स आपको फ्री में बताए जाते हैं और भी हैकरों की एडवांस ट्रिक्स एंड टिप्स आपको फ्री में बताए जाते हैं। और हम कुछ ऐसे टूल बनाते हैं हैकिंग के बारे में, हैकिंग के ऊपर, जो कि आपको हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इसको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप मेरी सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो को वॉच कर पाए रिमूव होने से पहले। तो फ्रेंड ये जो आप वीडियो को देख रहे हैं ये एथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग की ही वीडियो है, लेकिन इसमें मैं आप ट्रिक्स एंड टिप्स भी आपको बताया करूंगा, क्योंकि अब बहुत से फ्रेंड कहते हैं कि आप एथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग जो दे रहे हैं इस पे आप कुछ प्रैक्टिकल ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताया करें। तो इस वीडियो में मैं आपको वाईफाई के ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो दे रहा हूं, तो आपने इसको कम्प्लीटली वॉच करना है और समझना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको डीपली कोई भी नहीं समझाएगा। बहुत कम लोग हैं यूट्यूब पर जो कि डीपली समझाते हैं। फ्रेंड मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरी इसके बाद जो एक और वीडियो आएगी तो आपने इसको जरूर वॉच करना है। वो आपके रिक्वेस्ट के ऊपर मैं एक वीडियो ला रहा हूँ, तो आपने प्लीज उसको जरूर वॉच करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इससे और भी अच्छी वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कैसे हम डायरेक्टली वाईफाई को हैक कर सकते हैं। देखिए गाइस, हैकिंग की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको डायरेक्टली हैक किया जाए, और ना ही ऐसा कोई टूल बनेगा और ना ही बनाया गया है। देखिए डायरेक्टली कुछ भी चीज हैक नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे टूल हैं जिनको हम बहुत इजीली चीजों को हैक कर सकते हैं, वो भी कुछ टाइम के अंदर अंदर। तो ये कैसे पॉसिबल है वही हम आज वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने एक वाईफाई के ऊपर एक कोर्स बनाया है जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि मैं एक वेबसाइट मैंने क्रिएट की है, डिजाइन की है, उसको मैं होस्ट पे लेना चाहता हूँ, उसका डोमेन मैं परचेज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपको जैसे कि बताया था कि मेरे अकाउंट को सोशल एजेंडे के थ्रू हैक कर दिया गया है। किसी ने मुझे ही फूल बनाकर मेरे अकाउंट को हैक कर लिया और उस पे से सारे के सारे क्रेडिट निकाल लिया। तो इसलिए मैं अपनी वेबसाइट को भी अब होस्ट पे नहीं ले सकता। अगर कोई हमें डोनेट कर सकता है तो कर दे, जिसकी वजह से हम अपनी वेबसाइट को होस्ट पे ले पाए। सो फ्रेंड मैं बता रहा था कि वाईफाई किस तरह से हैक होता है, पहले आप ये समझिए। देखिए वाईफाई को हैक करना इजी है, लेकिन इस पे टाइम लगता है। अगर हम एयर क्रैक का यूज करते हैं गाइस, मतलब कि वर्डलिस्ट का यूज करते हैं जब हम उसका पासवर्ड क्रैक कर रखे होते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और कुछ वर्डलिस्ट ऐसी होती है जिस पे उसका पासवर्ड ही नहीं निकलता। तो इसका क्या सलूशन है कि हम कुछ ही टाइम पे वाईफाई को भी हैक कर लें। और कुछ टेक्निक्स ऐसी है कि सोशल एजेंडे से भी वाईफाई को हैक किया जाता है, मतलब फिशिंग पेज बनाए जाते हैं, फेक पेज बनाए जाते हैं, जिसपे विक्टिम को कहा जाता है कि आप इसका अपडेट कर लें अपने राउटर को, या फिर अपने सिक्योरिटी की एंटर करके अपने वाईफाई को यूज कर सकते हैं। और अगर ये भी टेक्निक ना काम करे तो एक मैं ऐसी टेक्निक लेकर आया हूँ यूट्यूब पर जो कि किसी ने भी आज तक अपलोड नहीं की होगी। तो वो कैसे पॉसिबल है, देखिए दोस्तों ये जो टेक्निक है ये जस्ट WPS राउटर के ऊपर वर्क करेगी, मतलब जिसके राउटर के अंदर WPS अनेबल होगा तो आप समझिए उसका आप 100% वाईफाई हैक कर सकते हैं, 100% गारंटी के साथ आप उसका वाईफाई हैक कर सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है, तो दोस्तों प्रैक्टिकल की तरफ जाने से पहले आपको मैं कुछ बता दूं कि ये टेक्निक कैसे काम करेगी। फ्रेंड ये टेक्निक ऐसे काम करेगी कि वो आपके विक्टिम के ऊपर एक पिन जनरेट करेगी और वो बार बार ट्राई करती रहेगी, क्योंकि पिन जो होती है वो 100% वर्क कर जाती है और कुछ ही टाइम पे वाईफाई भी हैक हो जाता है। ये टेक्निक काले लिनक्स के ऊपर भी काम करेगी और आपके मोबाइल के अंदर जो काले लिनक्स हंटर है ये उसके अंदर भी काम करेगी। टर्मक्स के ऊपर ये काम नहीं करेगी, और टर्मक्स तो कुछ ही चीजों को सपोर्ट करता है और ये इन चीजों को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको
आपको दो प्रैक्टिकल जरूर दे रहा हूँ, जिससे आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं वाईफाई को डायरेक्टली, मतलब कि पॉसिबल हो जाता है कि वाईफाई हैक हो जाएगा 100%। तो वो कैसे पॉसिबल है, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो प्रैक्टिकल वीडियो दे रहा हूँ, तो आप इसको कैसे हासिल करेंगे वो आप देखते हैं। अगर आप जब मेरी वेबसाइट ये होस्ट हो जाएगी तो अगर आप यहाँ पर ट्यूटोरियल्स पर क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पर सारी ट्यूटोरियल मिल जाएगी आपको। यहाँ पे बहुत से ट्यूटोरियल मिलेंगे वाईफाई हैकिंग के ऊपर और बहुत से हैकिंग ट्यूटोरियल मिलेंगे। अगर आप एंड पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको दो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि कैसे डायरेक्टली वाईफाई को हैक कर सकते हैं कलिनक्स के अंदर और अपने कलिनक्स हंटर के अंदर। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो को प्ले करना शुरू कर देगा, लेकिन अभी ये मेरी वेबसाइट होस्टेड नहीं है। तो आप वीडियो कैसे हासिल करेंगे, तो आपने मेरी ओल्ड वेबसाइट पर जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको विजिट कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के अंदर बताया गया है कि कैसे वाईफाई को डायरेक्टली हैक करते हैं, लेकिन इस पे जस्ट आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बताया गया है कि कैसे वाईफाई को डायरेक्टली हैक कर सकते हैं कलिनक्स के अंदर और कलिनक्स हंटर के अंदर। तो इसके ऊपर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं कि कैसे वाईफाई को हैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड प्लीज इसको डिसलाइक ना करना, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो जरूर दे रहा हूँ। और अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम इससे भी कम टाइम के अंदर अंदर वाईफाई को डायरेक्टली, मतलब कि इसी ट्रिक से हैक कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको गारंटी दूंगा कि आप 15 मिनट के अंदर वाईफाई को हैक कर पाएंगे और भी कम टाइम के अंदर, और मैं प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा उस पे। तो आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं वो वीडियो भी जरूर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।